गुड मॉर्निंग अलमैकम री इन्वेंशन एक्सलेटिंग रिजल्ट इन द एज ऑफ डिस्क्रप्शन रिटन शेन क्रैगन एंड खिप स्वीट मैन इस किताब के एक चैप्टर में जिसका टाइटल है चेंजिंग बिकॉज यू चूज़ टू इसमें एक बहुत खूबसूरत बात ऑथर ने लिखी है और भी बहुत अच्छी बातें लेकिन मैं एक चीज़ कोट कर रहा हूँ इस किताब से जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक की और मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा दूर तक जाना चाहिए उन लोगों के पास भी ये बात पहुँचनी चाहिए जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी मे भी वो किताब पढ़ लें या मे भी वो इस बात से बहुत सारी एक नई उनकी लाइफ में जिद्दत आ सके सो so, ऑथर ने लिखा है प्रोएक्टिव पर्सनल चेंज एजेंट्स प्रोएक्टिव पर्सनल चेंज एजेंट्स विल बी द विनर्स इन द न्यू इकानमी एंड द ग्रोइंग ऑन डिमांड मार्केट प्लेस सो so, क्या हम पर्सनल प्रोएक्टिव पर्सनल चेंज एजेंट्स हैं अगर हम ये बात अपने आप से पूछे और इस पर इस पर अमल करना शुरू कर दें वी ट्राई टू बिकम प्रोएक्टिव पर्सनल चेंज एजेंट्स जो अपनी ज़ात में बेहतरी लाने के लिए हर वक्त सरगर्म रहने वाले एजेंट्स का, का काम हम अपने लिए करें सो so, होगा क्या द राइट अप्रोच टू डीलिंग विद इनकमिंग चेंजिस टू चेंज टू चेंज बिफोर यू हैव टू टू चेंज बिफोर यू हैव टू वर्सेज चेंज बिकॉज यू हैव टू टू चेंज टू चेंज बिफोर यू हैव टू वर्सेज टू चेंज बिकॉज यू हैव टू बजाय इसके कि कंपनी में काम करते हुए आपकी मैनेजमेंट आपसे कहे कि खुर्रम आपको बेहतर होना पड़ेगा खुरम अगर आप चाहते हो कि आप अगली पोजिशन पर जाओ असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर मैनेजर से सीनियर मैनेजर वॉट पोजीशन पोजिशन काम करें तो आपको ये ये चेंजेस इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी अपने काम में अपनी स्किल में अपने बिहेवियर में अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना पड़ेगा आप ये बात सुनने से पहले अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दें दैट इज़ वेन यू विल बिकम प्रोएक्टिव पर्सनल चेंज एजेंट्स हम वेट करते हैं अपॉर्चुनिटी का अपॉर्चुनिटी आती है एंड वी आर नेवर प्रिपेयर टू डू दैट एंड टू गेट दैट ऑपरचुनिटी समटाइम्स यू हैव टू बी सो मच प्रिपेयर दैट द अपॉर्चुनिटी विल बी फोर्स टू कम टू योर वे अपॉर्चुनिटी विल बी क्रिएटेड ऑन योर वे एंड यू विल बिकम द अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी कंपनीज एंड कंपनीज नॉट ओनली कंपनीज बट फैमिलीज एंड एकज एंड सोसाइटीज एंड कंट्रीज पीपल वुड लाइक टू आस्क यू वुट यू लाइक वुड यू प्लीज़ लाइक टू ज्वाइन आर कंपनी वुड यू प्लीज लाइक टू रन आर कंपनी वु डू प्लीज लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ आवर टीम वुड यू प्लीज एक्सटेंड लिटिल हेल्प टू दैम सेल्फ बिकॉज आप हो वो अपॉर्चुनिटी क्यों आपने अपने आप को प्रोएक्टिव पर्सनल चेंज एजेंट बना लिया और वो बनाने से इतना इम्प्रूव कर गए कि आप डिफ्रेंशिएट कर गए मार्केट प्लेस पर नाओ देर इज़ नो कंपटीशन, नाउ देर इज़ नो कम्पेरिजन टू योर सेल्फ बिकॉज यू आर द ओनली बेस्ट इन द रूम अगर हम नहीं कर, हम क्या करते हैं हम वेट करते हैं हम कहते हैं सम हाउ सम थिंग विल हैपन एंड थिंग्स विल चेंज नो फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ सो दैट द अदर थिंग्स आर ऑल्सो changed for योर सेल्फ सो मुझे ये बात बहुत क्लिक की और मुझे लगा कि मुझे ये बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए प्रोएक्टिव be and organizational हाई परफॉर्मेंस ये जो अच्छा किताब पढ़ने का जो तरीक़ेकार है कि वो आप एक पेज पढ़ें हाईलाइट करें उसको समझें उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मे बी आपको कुछ टर्मिनोलॉजी को गूगल करना पड़े किसी को फ़ोन करके डिस्कस करना पड़े उसको अब्ज़ॉर्व करें उसको अपनी डेली लाइफ में शामिल करने के तरीक़ार ढूंढें, और फिर आप देखेंगे कि किताब ने वाकई आपकी लाइफ में कोई तब्दीली लाने में अमल किरदार अदा किया सो गॉड ब्लेस यू और हमेशा अपनी आपको इम्प्रूव करने पे काम करते रहें नंबर वन नंबर टू हमेशा ग्रोथ इन्वायरमेंट में रहें और अगर आप ग्रोथ इन्वायरमेंट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे अपने आसपास खुद को ग्रोथ इन्वायरमेंट बना लें जहां आप हैं उसके अंदर रहते हुए ग्रोथ इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें ग्रोथ इन्वायरमेंट क्या है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पॉजिटिव सोच है जहाँ आगे बढ़ने की विल है जहाँ पे आप समझते हैं कि आपका एटीट्यूड होना चाहिए कैन डू एटीट्यूड शुड डू एटीट्यूड विल डू एटीट्यूड यस अपने टारगेट्स को अपने साथ हमेशा रखें ऑब्जेक्टिव लाइफ गुजारें और अपनी लाइफ में अचीव ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप अपने आप को बेहतर करते रहेंगे तो अचीवमेंट्स विल स्टार्ट कमिंग टू तो योर वे थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू हैव अ ग्रेट डे